मृत्यु और बीमारी का भय दूर करती है माँ कुष्मांडा। नवरात्रों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी और द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हें सृष्टि की रचना की थी। इन्हें सूर्य लोक में निवास करने वाला माना जाता है। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा तथा सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जयमाला है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुहड़ी की बलि सर्वाधिक प्रिय है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप में मन को स्थित कर अनाहत चक्र का ध्यान करना चाहिए। माँ कुष्मांडा के चित्र प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित कर धूप दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद माँ के सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। निश्चित रूप से माँ मृत्यु और बीमारियों का भय दूर करेगी। सिर्फ विश्वास आस्था के साथ में माँ की आराधना करें।